अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज स्ट्रॉन्ग साइमा की शादी का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है ना। तो आज तीसरा दिन है, कल हमारा वलीमा वो कंप्लीट हो गया और आज हमारा, आज मेरे हस्बैंड का ससुराल डे है। आज हम मम्मी के घर जा रहे हैं तो इसलिए भी तैयारी हो रही है। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी और अपने भी प्रेस कर लिए। चौमी आ रही है और बस अभी हम लोग तैयारी करके ना जाने लगे हैं। और आप लोग हमारा पूरा व्लॉग देखना। और हमारा जो ये था ना लगा हुआ स्टेज, इधर दिखाएं, ये हमारा सारा निकाल दिया, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। और स्ट्रॉन्ग साइमा की कल क्लास भी है, स्ट्रॉन्ग साइमा का क्लास पर भी जाएगी और हस्बैंड छोड़ने जाएंगे मुझे। और हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा और हम आप लोगों के साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करेंगे। जो भी करते हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी हर वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग हमें इसी तरह प्यार देना तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बहुत अच्छे अच्छे और भी कमेंट कीजिएगा। तो फिर बस अभी जो है ना मेरे कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, तो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, फ्रेश होके आऊँगी, फिर उसके बाद जो है ना फिर तैयारी करूँगी, मेकअप वगैरह जो भी मेरा होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज देखिए मैं क्या पहनी हुई, ससुराल वालों की तरफ से जो गोल्ड है वो पहनी हुई है। देखिए बताइएगा आज सुहागन बनी कैसी लग रही है, सुहागन बनी। अभी फ्रेश होके आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज मेरे कैमरा में मेरे हस्बैंड ने मेरी विश पूरी हो गई, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। गर्मी भी बहुत हो रही है, मौसम बहुत प्यारा है, ऐसे लग रहा बारिश होगी। तो अभी तैयारी वैयारी करके जाती हूँ ससुराल और मेरे हस्बैंड के ससुराल, और ससुराल डे इंजॉय करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो अभी बस फाइनली मैं आ गई शावर लेके और ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ आज मम्मी के घर। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चूड़ियाँ पहनने के बाद करूँगी मैं अपना मेकअप। और आप लोग बताइए कि ये चूड़ियाँ जो जन्नत से गिफ्ट की थी उनमें से पहन रही हूँ, और ये साइज बिल्कुल बराबर है क्योंकि जो मैंने वलीमे में और जो मैंने बारात में जो बैंगल्स पहनी थी ना वो बहुत छोटी थी, मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था उसकी वजह से। तो ये मैं पहनने लगी हूँ, उसके बाद करूँगी मेकअप। तो मेकअप स्टार्ट करूँगी फिर मिलूँगी। तो अभी बस फाइनली मेरा मेकअप भी अभी होने वाला है, थोड़ा सा बस रहता है और बाकी मैंने जो भी करना था कर लिया। हल्का सा मेरा लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मैं मेकअप भी कम ही करती हूँ। और अभी तो आपको पता है शादी में मेकअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से मैं भी कर रही हूँ। सारा अपना मेकअप का जो सामान था वो मैं लेके भी आई थी, शादी में जो सामान मिला है वो भी सारी चीज़ें यहाँ रखती थी। जल्दी जल्दी मैं अपना मेकअप डन करती हूँ, मेकअप डन करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को मैं अपने हस्बैंड दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो भी बस ये देखिए मेरे हस्बैंड का, आप लोग दिखाऊंगी आप लोग, ये है मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से ये बहुत छोटी हूँ। जाइए 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 जाइए, ये मैं आ गई, ये मैं आ गई, ये मैं आ गई, ये है मेरा फुल लुक। और हमारा जो रूम है ना माशाल्लाह बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, रोशनी वाला रूम है, मैं नज़र नहीं आ रही इसमें ठीक। किलो ले लो, आधा किलो, एक किलो, एक किलो ले लो, सही बात है ना? फाइनल
पहुंच गए और आते ही मैं खाना खाने बैठ गई। ये शादी वाली बिरयानी है जो के बहुत मुझे अच्छी लगी थी, टेस्टी बिरयानी थी। मैंने अम्मा को कॉल करके बोला था मेरे लिए बचा के रखना, और आते ही मैं खाना लेके बैठ गई। मुझे ये वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी। और सब लोग बैठे हुए, मम्मा कुछ और भी बना रही है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए भाई खाना खा रहे हैं। तो व्यूअर्स खाना तो खाएं। तो ये है फिश फ्राई और वो है झींगे। आज हम लोगों ने फरमाइश पे झींगे बनवाए थे, लेकिन मम्मा ने एक्स्ट्रा फिश भी बना दी। तो खाना देख के बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने तो आते ही बिरयानी भी खा ली थी, लेकिन ये भी खाऊंगी, खाना नहीं छोड़ती। तो फाइनली हमारा जो फरमाइशी खाना था, हमने जो फिश झींगे और झींगे बनवाए थे, मम्मा ने एक्स्ट्रा फिश भी मंगवा लिया था, तो फाइनली वो हमारा दस्तरखान लग गया था। तो ये देखे हस्बैंड मेरे खाना खाते हुए, और इनको भी झींगे बहुत पसंद है और मुझे भी झींगे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी पूरी फैमिली को इवन झींगे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम खाना खाने लगे थे, तो मेरे हस्बैंड को ना फ़िश खानी नहीं आती, उनको ना वो फ़िश के कांटे निकाल के देने पड़ते हैं, तो उनको खानी नहीं आ रही थी फ़िश। तो मैं उनके लिए ना एक एक कांटे निकाल के फ़िश अलग कर रही थी, ताकि वो इजीली खा सके। और है ना तबीयत खराब, खाना खाने खाना खाने खाना खाने खाना 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 खाना। ये सारे मेरे अब आए हैं, क्योंकि मुझे कल से अपनी क्लास पे जाना है। कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोगों को तो पता है क्लासेस पे जाऊंगी यूनिफॉर्म, तो आप लोगों को तो पता है ज़रूरी चीज़ है यूनिफॉर्म और अबाएँ। और कुछ सामान मेरा रहता था, मतलब फेस वॉश वगैरह जो भी मेरी छोटी छोटी पर्सनल चीज़ें थी वो भी मैंने सारी ले ली। ज्वेलरी बॉक्स मेरा यहीं पड़ा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया उसमें शॉपर में। तो अब जो है ना, ये हमारी दो बनती थेलियाँ और जितना सामान रहता है, हम थोड़े थोड़े दिन के बाद आएंगे और फिर सामान लेके जाएंगे। इस तरह फिर हमारा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। तो अभी तो ये मैंने सबसे पहले अपनी अबाए ले ली, क्योंकि मेरे चार पांच अबाए हैं। मैंने पहले कहा सबसे पहले अपनी अबाए थैली में डालूँ, क्योंकि क्लास में जाऊँगी रोज़ चेंज कर करके जाऊँगी, एक अबाया रोज़ पहन के नहीं जा सकते। तो व्यूअर्स ये मेरा चार्जर और ये सारा सामान ये मैं अपने पर्स में लेके जाऊंगी। और ये मेरा वही सीजर है जो मैंने लिया था थोड़े दिन पहले, जब मेरी कटिंग की क्लास स्टार्ट हुई थी। प्रोफेशनल सीजर है ये, तो ये सारा सामान लेके जाना है, क्योंकि कल से केमिकल की क्लास स्टार्ट होगी, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अब सारा सामान बैग में डालने लगी हूँ। ये मैंने सीजर डाल दी और ये भी लेके जाऊँगी, इसमें मैं सॉन्ग सुनती थी। और शादी पर अभी एक न्यू भी लिया था, ये मेरा दूसरा मोबाइल, पहला मोबाइल हस्बैंड के हाथ में, दूसरा मोबाइल पड़ोस में। और ये वॉच है, इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, मेरा भाई लेके आया था दुबई से। भाई वीडियो देख रहा है तो देख लो भाई, ये भी लेके जा रही हूँ साथ में। तो व्यूअर्स फाइनली हमारा खाना पीना हो गया था और हमारी पैकिंग भी हो गई थी, तो मैं अबाया पहन के होने लगी थी, रेडी निकलना था हमें, क्योंकि हमें यहाँ से कहीं और भी जाना था। तो हस्बैंड ने कहा था रास्ते में आइसक्रीम शॉप पे अल्पाइन, तो हम अल्पाइन चलेंगे आइसक्रीम खाने। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा घर है भी दूर काफ़ी, तो अम्मी के घर से, तो हम जो है ना रेडी होके बस निकल गए थे हम अल्पाइन। फाइनली ये देखे हम अल्पाइन भी पहुँच गए। और ये जो है ना, मैंने अपने लिए कुल्फ़ा ऑर्डर किया था, और बस टेस्ट के लिए, मतलब दिल नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी खाने को, क्योंकि मैं वहाँ से फुल खाना पीना खा के लोड होके आई थी। तो ये मैंने छोटा कप ऑर्डर किया था, ये देखिए। तो अब बारी है मेरे हस्बैंड की, तो कैमरामैन अभी मैं बन गई। तो ये देखें, ये हमेशा पिस्ता ही खाते हैं, इन्होंने बोला मैं जब भी इधर आता हूँ पिस्ता ही खाता हूँ, पर मैंने बोला नहीं, मैं तो कुल्फ़ा खाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फ्लेवर चेंज करके देखूंगी कि कौन सा फ्लेवर कैसा है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।